माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है ब्रेसलेट में। भाई परीशे ने पहन लिया। हाय में किसका है, किसका है आई सच बताओ। ये तो अम्मी का था ना, मम्मा का, अम्मी का वही खाना था। अम्मी का रेड भी थी ना। बात में डाल लो, निकाल लिया लो। ये आपके बॉटल में डाल दो बकाया है। मुसलमान आप मुसलमान है के पठान पठान मुसलमान नहीं हो पठान हुए। चले बस लेट्स गो। आ जाइए भाई मेरी अम्मी के घर से सारी अफतारी और है ये खाना शाना सारा आया हुआ है। इसके नगेट्स खाएंगे। अच्छा नगेट्स आ गए और फ्रूट चाट पकोड़े तो हमारे घर के बने हुए, बिरयानी है, कचौरी है, समोसे, फ्रूट चाट, दही बड़े, कस्टर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी एंड भाईजन आप लोगों का, बहुत माशाल्लाह अच्छी अफतारी भिजवाई। देखिए दस्तर हमारा भरा है, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह बहुत दे। खाने के साथ अम्मा जी ने मेरी बास्केट भी भेजी जिसमें है शामी कबाब, जेली है इसमें, कस्टर्ड है इसमें, चीनी भी है इसमें, सेवैयाँ हैं और शरबत भी है। थैंक यू सो मच अम्मा। क्या खाना है आपको? एक। जब अपना वर्क कंप्लीट कर लोगे, आप अपना पूरा वर्क कंप्लीट करोगे, आप पूरा अपना वर्क कंप्लीट करेंगे उसके बाद एग मिलेगा, ठीक है? पूरा करना आता है आप थोड़ा सा क्या तो कंप्लीट करें जी। चले शाबाश जी, ओके भाई। परीक्षा कह रही है कैमरा बंद नहीं करना, आराम से बेबी, जज्बाती में नहीं करें, आराम से जी। क्या वेरी गुड भाई, परीक्षा लिख रही है अपना काम सारा यहाँ पे, और यहाँ पे हाइम खान का भी काम चल रहा है भाई। मेरे बच्चे अपने काम के साथ साथ अपना स्कूल का काम भी कर रहे होते हैं। ओके जी, तो इन लोगों ने होमवर्क भी कर लिया अपना और अभी जो है दोनों साहबजादे मेरे आराम फरमा रहे हैं। मेरे हाइम खान क्या कर रहे हैं बॉस आप? हैं बॉस कहीं सो तो नहीं गए? हेलो बॉस, सो तो नहीं गए कहीं? मैं क्या बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। मैंने कहा भाई हाइम खान क्या कर रहे हैं, अपने ब्लॉग ही देख रहे हैं भाई। हाइम खान इतना ऑब्सेस्ड है अपने आप से कि अपने ही ब्लॉग देख रहे हैं। असल में हाइम जो है दोपहर से उठे हुए थे, फिर हम शूट पे गए, वहाँ से आके हाइम खान अम्मी के साथ चले गए थे शॉपिंग पे, फिर वहाँ से आया तो फिर अभी ऐसे लेटे हुए और दोपहर से हाइम खान सोए नहीं है। और हमारी मैडम परीक्षा को अभी खाना शाना खा लिया, सुलाना है क्योंकि कल स्कूल है भाई परीक्षा का। हाइम को मैं स्कूल इसलिए नहीं भेज रही क्योंकि अब बच्चा है, अगर वो दोपहर में 2:30 बजे वहाँ पर सेट पे होना होता है हमें और सुबह 11:30-12 बजे वहाँ स्कूल से आएगा तो फिर सुबह 8 बजे से बेचारे बच्चे थक जाएंगे, इस वजह से हाइम का फिलहाल ऑफ है। कहाँ जा रहे हो? अभी तो नींद आ गई थी, अभी झूले में भाग रहे हो हैं? वाह भाई, इन दोनों ने चाचू चाची को पकड़ लिया और वो बेचारे जो है उनको लेके गए बाहर झूलों में। इसका व्लॉग बनाओ, पता नहीं ये बोले व्लॉग बनाओ किस चीज का? क्या ये, क्या बात हुई, ये कब लिया? ये तो अम्मी का था, सेम बनवाया था ना मैंने और अम्मी ने। सही बताओ, सही से कसम पागल तो नहीं बना रहे? मैं आपके सामने भी लेके आई, मैं किसका है, किसका है आई सच बताओ। ये तो अम्मी का था ना, मम्मा का, अम्मी का रेड था, मम्मा का, ये पक्की बात है ना? हाय माँ मिले हुए तो नहीं ना, बाबा का प्रैंक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? नहीं बाबा प्रैंक नहीं कर रहे, सच में मेरा ये। थैंक यू सो मच, ऐसे सरप्राइजेस देते रहेंगे तो। यार ये परीक्षा को नहीं है, परीक्षा मेरा है, परीषे मुझे दिया है, ये आपका कैसे हो सकता है? अच्छा नहीं लग रहा आप पे कोई, ये मेरा है ठीक है परीषे, ये मेरा है, चीटिंग नहीं परीषे। अभी आपने मुझे दिया था, अभी आप उनको पहना रही है, क्या बात हुई है? मगर दिया तो आपने मुझे था, अभी आप लोग मुझे पता था प्रैंक ही कर रहे हो। माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है ब्रेसलेट में है, माशाल्लाह माशाल्लाह।
अम्मी को दिखाए, अम्मी को दिखाए। भाई परीशे ने पहन लिया। इसको तो पप्पा ने भी दी थी ना ब्रेसलेट। वो भी रखा हुआ संभाल के मैंने। गिफ्ट संभाल के रख दो अपनी चीज। शाबाश, वेरी गुड। अब बाद में पहनेंगे ये, ठीक है? ईद में पहनेंगे परीशे, ठीक है? किसी को नहीं दे रही। आप लोगों को इसका सीन बताती हूँ कि अम्मी ने लिया था अपने लिए। अम्मी को हाथ में होंगे तो फिट, तो पापा ने गिफ्ट किया था, पर अम्मी ने बिलाल से बात करी, बिलाल ने ले लिया। क्या बात है। मेरी सहरी भी भिजवाई थी साथ में, तो अभी हम ये वाला खाना खाएंगे। कोई भी सहरी कर ही नहीं रहा भाई, सब शॉपिंग पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ खा लिया। ना अम्मी खा लिए हैं, ना अनस लोग खा रहे हैं, ना इकरार, बस पापा खा रहे हैं इस वक्त, और फिर बाद में मैं और बिलाल खाएंगे। तो अभी जो है पापा के लिए पराठा बना रही हूँ मैं। तो जी अब उठी हूँ मैं भाई परीक्षा के स्कूल के लिए, और रात में सहरी पे मैंने अपने ये हाथ जला दिया था रात में। चले खैर छोड़ें, फटाफट से परीक्षा को उठाते हैं और रेडी करते हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 25 मिनट्स हैं उसमें परीक्षा को रेडी करना है और भिजवाना भी है, और परीक्षा का लंच बॉक्स भी रेडी करना है। तो फटाफट से जो है ना परीक्षा का लंच वगैरह बनाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। गले लग लिया बेटा, अभी तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है स्कूल। सही है, परीक्षा का जूस आ गया। अरे बच्चों बुला लो, बॉटल में इतने सारे डाल दूंगी, पहले भी नाश्ता तो कर लो। ये बिना फिनिश कर लो, बॉटल में मोमो और दे देंगे। सही है, ठीक है, और भी बहुत सारा डालूंगी, ठीक है? पहले ये तो फिनिश करो भाई। शाबाश परीक्षा, इतना थोड़ा सा आपने जूस पिया मोमो, क्यों पूरा पीती ना? बॉटल में डाल लो, इन्हें चार ले लो, ये आपके बॉटल में डाल दो। बकाया हैं ब्लूबेरी डाल दो, आपके थर्मोस में डाल दो। ओके ला लो। चलो जी, हमारी मैडम की रिक्वायरमेंट है कि जो पकाया जूस है वो सारा इसमें डाल दें, तो फटाफट से खोलते हैं और पकाया जूस ऐड कर देते हैं ताकि परीक्षा का फ्लेवर वाला जूस बन जाए। तो हमारी मैडम अभी रेडी हो गई हैं। चले मैं स्कूल बैग परीक्षा पहन लें। इधर इधर बाजी कहाँ जा रही हैं, बाजी कहाँ जा रही हैं? ऐसे शाबाश, और ये वाला साइड भी, ये वेरी गुड। मैडम अपना थर्मोस भूल गई हैं। आपका थर्मोस आप भूल गई थी, आराम से जाना, शोर नहीं मचाना। ओके आज हम लोग वहाँ पे वेट करते, बाबा को देखते हैं, वेट करते हैं। क्यों ऐसी खड़ी रहोगी? बाबा का हाय करोगी बाबा को? अच्छा, बाबा क्या करेंगे आपको? हाय करेंगे। बाबा क्यों हाय करेंगे? कुछ भी, लिफ्ट अभी खुजी, लिफ्ट अभी जीरो पर है और हम लोग वेट करेंगे बाबा नीचे के, और लिफ्ट भिजवाएंगे तो हमारी मैडम परीक्षा लिफ्ट में जाएंगी। ओके परीक्षा, आप जा रही हो? हाफिज हाफिज तो कर दो भाई, हाफिज, अल्लाह ने की बान, बाय बाय। चलो बाबा आ गए, बाय बाय, हाफिज, बिस्मिल्लाह, हाफिज, अल्लाह ने की बान। आज फर्स्ट टाइम जब से स्कूल जा रहे परीक्षा, हाइम के बगैर पहली बार गई है। ओके जी, तो इसमें 9 बज रहे हैं और परीक्षा जा चुकी है स्कूल पर, और कुछ मेजोरिटी लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप स्कूल और ये सब कैसे मैनेज करती हैं, तो मैं कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव फैमिली है मेरे पास, तो हाइम जो है अम्मी के पास सो रहे अभी फ़िलहाल, परीक्षा मेरे पास थी तो परीक्षा स्कूल चली गई है। अब परीक्षा आएंगी तो मैं जो है वापस परीक्षा के लिए उठूँगी और परीक्षा को खाना वाना दूँगी, फिर परीक्षा बाबा के पास जाएंगी, सो जाएंगी, ठीक है? उसके बाद मैं हाइम को उठाऊंगी, क्योंकि हमें शूट पे जाना होता है, तो हाइम उठेंगे, फिर अम्मी को साथ लेके जाती हूँ मैं अपने, तो नाश्ता वगैरह होता है, फिर हम सेट पे चले जाते हैं और परीक्षा अपने बाबा के साथ होती है। तो ये कुछ सेटिंग है मेरी, क्योंकि जब तक हाइम गया है तो उसमें परीक्षा को स्कूल ना भेजने का कोई लॉजिक ही नहीं, तो इसलिए परीक्षा स्कूल जा रही है और हाइम का जो होमवर्क वगैरह है वो स्कूल से आता है, तो मैं जब बिठाती हूँ तो दोनों को साथ बिठा कर अपना होमवर्क करवा देती हूँ। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी होती हैं, और हाइम और परीक्षा को अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग पर मिलेंगे आप लोगों से, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।